आजकल हर बंदा उस गाड़ी को पसंद करता है जिसका फ्यूल कंजम्पशन कम, जो कम पेट्रोल पे ज़्यादा सफ़र करे उस गाड़ी को लोग पसंद करते हैं। तो आज आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ क्वेटा एक्वा जी ग्रेड 2012 की मॉडल 1500cc हाइब्रिड इंजन के साथ, साथ में पेट्रोल इंजन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राइट रिव्यू। आज की रिव्यू बहुत मज़े की होने वाली है। ब्लैक कलर के अंदर खूबसूरत गाड़ी, एक्सटीरियर में आपको फ्रंट दोनों डोर्स पे सेंसर का ऑप्शन मिलेगा। पुश स्टार्ट ऑप्शन जो इसके अहम फीचर्स है वो आपको बताते चलूँ तो पुश स्टार्ट ऑप्शन के साथ है। यहाँ पे स्टीयरिंग आपको विदाउट मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा। डिजिटल मीटर आपको क्वेटा एक्वा प्रियस और रिट्स के अंदर मिलेंगे। ये तीन चार गाड़ियाँ हैं इसके अंदर, आपको जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसमें आपको डिजिटल मीटर मिलेगा। ब्लैक डैशबोर्ड और ब्लैक सीट्स, फैब्रिक की सीट्स लेकिन मैनुअल सीट्स मिलेंगे। मज़ीद जो इसके अहम फीचर्स हैं जो गाड़ी को चार चांद लगाते हैं वो है इसके इको मोड और ईवी मोड। ये दोनों मोड इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है क्योंकि ये जी ग्रेड है, 2012 की मॉडल है, 1500cc हाइब्रिड इंजन के साथ है। ज़्यादा सफ़र कम पेट्रोल पर ये गाड़ी आपको देगी। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी की डिटेल रिव्यू की तरफ, आपको सारी फीचर्स डिटेल से दिखाएंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। क्वेटा एक्वा जी ग्रेड 2012 की मॉडल 1500cc हाइब्रिड इंजन के साथ है और बहुत सारे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर पे भी और इंटीरियर में भी मिलेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। प्रोजेक्टर लैंप, हाई बीम के लिए लैंप अवेलेबल है, साथ में इंडिकेटर का ऑप्शन। फॉग लैंप्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल फ्रंट प्रोफाइल में फॉग लैंप्स की जगह आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा। नीचे बम्पर में आपको ग्रिल भी हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेगा, क्वेटा की ब्रांडिंग यहाँ पे और ब्लैक कलर के अंदर बहुत शानदार गाड़ी आपको मिलेगी। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, मजीद इंडिकेटर का ऑप्शन, हाइब्रिड का बैज यह बॉडी पे और टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं। इस गाड़ी का बहुत साफ रिम, साफ टायर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ तो फ्रंट दोनों डोर्स पर सेंसर का ऑप्शन आपको मिलेगा। बॉडी कलर के अंदर लेचेस मिलेंगे और रेयर साइड के हवाले से आपको बताता चलूँ, एक्वा का बैज, क्वेटा की ब्रांडिंग, हाई माउंटेड लैंप्स और रेयर स्पॉइलर का ऑप्शन, शार्क एंटीना। और ये गाड़ी आपको 4 स्टार्स के साथ मिलेगी, जापान से 4 स्टार के साथ आई हुई है, तो कंडीशन का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं इस गाड़ी का। बैक कैमरे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और यहाँ से अगर ओपन हो रहा है तो मैं आपको दिखाता चलूँ इसका बूट साइड। जी ये रही इस गाड़ी की बूट साइड। बूट साइड में काफ़ी स्पेस मिल रहा है, छोटी गाड़ी है लेकिन फिर भी आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा। स्पेयर टायर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है या दे सकते हैं, यहाँ पे सामान और टायर आप रख सकते हैं इजीली। यहाँ से आप इसको भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये रही इस गाड़ी की बूट साइड, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कलर गाड़ी की कंडीशन कैसी है। बढ़ते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर पे और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाएंगे। फ्रंट दोनों डोर्स पे आपको सेंसर का ऑप्शन मिलेगा, साथ में यहाँ पे की का ऑप्शन भी अवेलेबल है। डोर सिल सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ, आप देख सकते हैं टू टून्स के साथ इसके डोर्स, वाइट ब्लैक ऑडियो सिस्टम, पावर विंडोज़ और मैनुअल सीट्स, फैब्रिक की सीट्स है। पुश स्टार्ट ऑप्शन के साथ है, मिरर एडजस्टमेंट बटन्स, पावर स्टीयरिंग आपको विदाउट मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा, डिजिटल मीटर, ब्लैक डैशबोर्ड और मज़ीद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2 अदद का फोल्डर्स, पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर ईको मोड, ई वी मोड भी अवेलेबल है और यहाँ पर AC वेंट्स आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड के लिए और ये जो है पैसेंजर साइड के लिए भी अवेलेबल है। 2 एयरबैग्स मिलेंगे सेफ्टी के लिए, एक यहाँ स्टीयरिंग पे और एक यहाँ डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। इंडिकेटर का ऑप्शन, AC और हीटर प्रॉपर वर्केबल होगा। एंड्रॉयड स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑडियो सिस्टम आपको मिल रहा है। डैशबोर्ड स्पेस आपको दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप AC टम्परेचर वगैरह को एडजस्ट करेंगे। पुश स्टार्ट ऑप्शन, मिरर एडजस्टमेंट बटन्स और मीटर लाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और मज़ीद यहाँ पे भी ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल होंगे। AC इवेंट्स इवन यहाँ पे भी अवेलेबल है। डैशबोर्ड पे कोई ऑडियो सिस्टम नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है आपको
डोर्स पे मिल रहा है, फ्रंट डोर्स पे मिल रहा है, रियर सेट का आपको वहाँ पे जाके दिखा देंगे। मिरर का ऑप्शन सनशेड इस पे, और फ्रंट फाइल के लिए लैंप्स मज़ीद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कोई मिरर का ऑप्शन सनशेड इस पे अवेलेबल नहीं होगा। अब अगर डिमांड के हवाले से आपको बताते चलूँ तो शोरूम वाले की तरफ से इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है 13.5 लाख रुपये। फॉर सेल अवेलेबल है यूसुफ़ मोटर शोरूम में शिंगरदार सवाद, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन है, आप शोरूम भी विजिट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, आपको कंप्लीट डिटेल इस गाड़ी के हवाले से प्रोवाइड किया जाएगा। टोयोटा एक्वा जी ग्रेड 2012 की मॉडल 1500 cc हाइब्रिड इंजन के साथ है। बढ़ते हैं इस गाड़ी की रेयर साइड पर और आपको इस गाड़ी का रेयर साइड दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीमियम लुक के लिए लगा दिया गया है। यहाँ पे डोर सील्स, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मिलेगी। पावर विंडोज, ऑडियो सिस्टम आपको चारों डोर से मिलेगा, और 5 सीटर गाड़ी है। रेयर साइड पे आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा है, आप सामान वगैरह इजीली रख सकते हैं। फैब्रिक की सीट्स मिलेंगे। यहाँ पे कोई हैंड सपोर्टर का ऑप्शन रेयर साइड पर अवेलेबल नहीं होगा, और ना कोई ऐसी वेंट्स रेयर साइड के लिए अवेलेबल है। मज़ीद आपको दिखाता चलूँ इसका फ्रंट प्रोफाइल, 13,50,000 रुपये इस गाड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं है। कंडीशन आपने देखा होगा, एक तो ये गाड़ी आपको जापान से 4 स्टार के साथ मिल रही है, 4 स्टार इसके लिए बहुत अच्छी रेटिंग है वैसे, और 2012 की मॉडल है। उम्मीद है गाड़ी की इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आपको पसंद आई होगी। आप बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंजन सस्पेंशन पर और आपको इस गाड़ी का इंजन सस्पेंशन दिखाएँगे। तो यहाँ से मैनुअली ओपन करना होगा इसका इंजन सस्पेंशन। रेयर साइड ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, लेकिन ये आप चेक करें, इसका कलर कोई डेंट अवेलेबल नहीं होगा इसके एक्सटीरियर पे, कोई भी डेंट या लाइन वगैरह अवेलेबल नहीं होगा, इसकी गारंटी होगी। कलर के हवाले से आपको गारंटी दी जा रही है इस वजह मोटर शोरूम वाले की तरफ से। बढ़ते हैं इस गाड़ी की इंजन सस्पेंशन पर, 1500 cc हाइब्रिड इंजन के साथ है, और इंजन सस्पेंशन यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है, इसके बाद नहीं इग्नोर करना है, बाकी इंजन सस्पेंशन पे आप फोकस करें, बिल्कुल अपने कलर के अंदर मिलेगा। मैनुअल बॉनट सिस्टम। तो ये रही आज की रिव्यू टोयोटा एक्वा जी ग्रेड 2012 की मॉडल 1500 cc हाइब्रिड इंजन के साथ है। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।